teachers and student leaders from different universities who are on stage, और मेरे छात्र दोस्त लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम से ही आ रही थी। मैं मिरांडा हाउस की प्रेसिडेंट थी, जीती, पर ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मैं ही पहली कैंडिडेट थी जिसको दूसू में NSOI ने टिकट दिया था, और शायद इसके बाद कोई नॉर्थ ईस्ट वो चुनाव नहीं लड़ा है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 3 वर्ष मैंने काटे, उस वक्त मैंने मंडल कमीशन का एजिटेशन देखा था। फर्स्ट ईयर में ही मंडल कमीशन का एजिटेशन हुआ था, क्लासेस बंद थी। मैं मंडल कमीशन एजिटेशन की बात इस सभा में इसलिए कह करना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र जब किसी बात को ठान लेते हैं तो वो उसको हासिल करके छोड़ते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और यही फेडरेशन ऑफ दिल्ली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन का है। आप लोगों ने देखा है कि आजकल सदन भी बंद है, सदन के अंदर कोई ना कोई पार्टी आंदोलन कर रहा है पार्लियामेंट के वेल पे, इसलिए भाषण देना मुश्किल है। पर आज यहाँ इस सभा में जिस तरह आप लोग संगठित हुए हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, ठीक इसी तरह अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के दल लोग सब आज लोकसभा के बाहर गांधी स्टैचू में आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी बहुमत लेके आई है, पार्लियामेंट्री हर प्रोसीडिंग्स का गला घोटा जा रहा है, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और मैं कहूंगी कि जब से मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई हूँ, मैं कहूंगी कि दिल्ली में ऑन एन एवरेज आई थिंक एवरी सेकेंड डे देर इज 1 एजिटेशन इन विच आई एम हैविंग टू अटेंड, बिकॉज देर इज कंप्लीट अनरेस्ट नॉट जस्ट अमंग स्टूडेंट्स बट अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको लक्ष्मीबाई नगर के बाहर रोक कर इतनी तादाद में इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी उनके साथ इतना खराब बर्ताव हुआ, और लग रहा था कि वहाँ कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप सड़क पे उतर आया है, जिस मात्रा से वहाँ पुलिस थी और एक पत्रकार के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, मैन हैंडलिंग हुआ। आई एम शॉक्ड टू सी दैट इन द नेम ऑफ ऑटोनॉमी व्हाट इज गोइंग ऑन अमंगस्ट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आई एम शॉक्ड टू सी दैट टुडे टीचर्स आर बीइंग आस्क्ड दैट आप अपनी तनख्वाह में जो रेज है उसका 30% आप वो पैसा किसी भी माध्यम से उठाए उसको सरकार नहीं देगी, विच इन टर्न मीन्स दैट स्टूडेंट्स फी विल गो अप। एंड टुडे इफ दिस नेशन, इफ वी अग्री दैट दिस इज अ नेशन दैट इज ग्रोइंग, इफ वी अग्री दैट दिस इज अ नेशन दैट इज अ पावर टू रेकन विथ इन द वर्ल्ड, देन वन ऑफ द मेन रीजंस इज नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिस कंट्री इज गिवन टू आवर यूथ बट द फैक्ट that education is affordable to most people. By doing this, by asking the teachers' salaries to be paid from your own resources means that today capable but economically backward students will not be able to afford higher education. And if education does not reach an average home in India, then the nation that we are so proud of, that we say is growing at this rate, somebody says 7%, somebody says 8%, I can assure you, will come to a standstill. All the demands that you've raised here, of giving the ad hoc teachers permanent position, of removing this need for financial autonomy, we will definitely raise it in the parliament. And if this government believes in autonomy,
अगर ये सरकार ऑटोनॉमी में विश्वास करती है तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ना दे पर हमको सोचने की आजादी दे। आपने जेएनयू से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक सोचने की शक्ति को खत्म कर देने का जो प्रयास आप लोग चला रहे हैं उसको हम सफल नहीं होने देंगे। इट इज माय प्रॉमिस टू यू दैट इन पार्लियामेंट वी विल डेफिनेटली रेज दीज इश्यूज। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली रेजिंग द इशू दैट द बजट फॉर द एजुकेशन हैज बीन कट, टुडे द यूजीसी ग्रांट हैज बीन कट, ऑल दिस मस्ट बी रिस्टोर्ड एंड आई एश्योर यू दैट वी विल डेफिनेटली फाइट फॉर दिस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग जिस बहुमत से यहाँ आए हैं, जिस मैं कहूँगी जिस कॉन्फिडेंस से आए हैं, जिस संकल्प से यहाँ आए हैं, मेरा विश्वास है कि मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास और एचआरडी मिनिस्टर के पास जरूर खबर पहुंच गई होगी कि अभी ये आंदोलन की शुरुआत है और जब तक ये सरकार इन डिमांड्स को नहीं मानेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।